we are living in a time of forced information. The Facebook, Twitter, Instagram, and so many. But still, I think that this one-to-one conversation, this lively conversation between two individuals is more important. कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि जिनकी ऐसी केंद्रीय भूमिका रही दो सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण एक ऐसा माहौल आपके इर्द गिर्द बन गया कि आपने तय करा कि मैं पेंटिंग करूंगा हालांकि शुरुआती तौर में आप थिएटर से जुड़े रहे ऐसी बात बनते गई कुछ मौके आते गए कुछ सिचुएशन ऐसी सामने आती गई और यहाँ तक पहुँच पाए ये जे जे जाने का गाइडेंस आपको उन्हीं से मिला या कुछ और ऐसे दशरथ पटेल करके बड़े वेल नोन आर्टिस्ट उसी स्कूल के थे और पेरिस में थे उन्होंने मेरा काम देखा उन्होंने कहा क्या करने वाले हो मैंने कहा ड्राइंग टीचर तो बोले नहीं तुम तो आर्टिस्ट बन सकते हो तो मैंने कहा कि ड्राइंग टीचर बनना आर्टिस्ट बनना नहीं तो उन्होंने कहा ना तो उन्होंने कहा गो एंड ज्वाइन जे जे और उनके मुंह से जैसे सेंटेंस खत्म हुआ है और मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुझे ड्राइंग टीचर नहीं बनना है और मैं अब ढूंढने लगा कि बॉम्बे कैसे जाया जाए घर में तो बोल नहीं सकते ड्राइंग टीचर को जाके मैंने बताया कि ऐसा एक पेरिस से और मैं ज़रा कहानी बोलने में अच्छा था मैंने कहा पेरिस से आया हुआ एक आर्टिस्ट ने मुझे ये बोला है तो ड्राइंग टीचर ने बोला भाई यार हमारे जीवन में ये सब कहाँ तुम चुप रहो खाली मैंने डिसाइड किया कि अब उनसे बोलने का ही नहीं है उस समय वो जो एक लैंडस्केप का जो भाव था वो उस समय शुरुआत हो गई थी आपके काम में हाँ मैं मोस्टली ताज के सामने अपोलो बंदर पे हाँ, जाके लैंडस्केपिंग करके आता था लैंडस्केप का जेजे में ऐसी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी अपने प्रोमिनेंटली मेजरली जो लैंडस्केप्स की बात करते हैं तो जब बनारस की बात आती है तो कहाँ एक तरफ विनोद बिहारी मुखर्जी से लेके हुसैन साहब से लेके वो आगे यंगर जनरेशन में भी कई जगह तक आती है व्हाई ओनली बनारस मैं 65 टू 75 10 साल कलकत्ता में था जब मैं दिल्ली आया चारों बाजू फूल टूल दिखाई दे मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या पेंट करना और क्या नहीं मैं कुछ रिलेशन नहीं बना पाऊँ दिल्ली से मेरा उस तरह का कांटेक्ट नहीं हो रहा था मैंने कहा मुझे बनारस आना है जब मैं बनारस गया तो दो व्यक्तियों को दिमाग में रख के गया एक तो रविंद्रनाथ के पेंटिंग कि वो क्वालिटी होनी चाहिए और दूसरा मुझे एक मेरा रविंद्रनाथ के दूसरा ऑब्सेशन है सुझा से उनके काम से तो वो उस तरह का एक फोर्स होना चाहिए जो उनके काम में एक जो ताकत है जो ये दो चीज मैं लेके बनारस पहुंचा कलकत्ता जाना है वापस आप बंबई से ये जो 10 साल का जो कलकत्ता का जो वक्फा है उसकी क्या जगह है जिंदगी में जो ट्रेन डिजाइनर थे वो 10 डिजाइन करते थे 10 नंबर देते थे मेरा कुछ 40-50 चला जाता तो उनको प्रॉब्लम होता होगा ऑफिशियली कि एक आर्टिस्ट इतना करता है दूसरा क्या तो उन्होंने कहा नाउ यू टेक ए लीव योर वर्क इज टू मच उन्होंने मुझे प्रेम से दूर फेंकने के लिए कलकत्ता को काला पानी बोलते थे हमारे ऑफिस में कोई जाने को नहीं दिया कोई रहने को नहीं दिया सब हिम्मत था और मनसाराम सब बाप बाप करके वापस आए थे 2-3 महीने में तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा मनु भाई अब जब एक तरफ माधवी जी हैं एक तरफ मनीषा हैं तीन पेंटर्स अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं आप अपने आप को घरेलू ढंग से बात चलती तो बैठ के हम कुछ चर्चा करने बैठ गए वो सीरियसनेस तो नहीं है सवा घंटा डेढ़ घंटा हो गया फिर भी मुझे लगा ये समय कम रहा सो दिस काइंड ऑफ इंटीमेट टॉक्स इन एन आर्ट गैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज then you get to know not only about the artist's experiences but specially if you get experienced artists and all others can learn hell of a lot from that you know from that experience kyunki
क्योंकि कलाकार जो है वो एक बहुत भावुक सा उसका एक इमोशनल एक जर्नी होती है ज़िंदगी की, और बहुत ज़रूरी है कि कला के संसार में इस तरीके के प्रोग्राम किए जाएँ. It was really, really wonderful talking about the art and theater and their experience from the rural to the theater and the Bollywood industry. Really pleasure to be here. Manu ने अपनी life के बारे बताते हुए ऐसे छोटे-छोटे incident बताए. His experience कि वो उनके जो art teacher थे, वो कैसे charcoal use करते थे, वो कैसे impression. Such an innocence comes through.